मुझे पता है कि दिल के किसी कोने में ज़रा सा दुख है तुम्हें, कि जलसे में सब पहुँचे पर तुम नहीं पहुँच पाए। लेकिन खुशी इस बात की है ना तुम्हें कि तुम वहाँ नहीं गए तो उस समय का सदुपयोग करके इतना बड़ा काम अपने लिए कर लिया। जो अच्छा हुआ है उसके लिए खुश रहो। और एक बात सुनो, इस हफ्ते ना जो आने वाले हफ्ते हैं, अगर कोई इंसान किसी को नए काम के बारे में बात करता है ना, तो उसकी बात को गौर से सुनना, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले हो जिसकी किस्मत से और तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। तो वो मौके आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें उसे गंवाना नहीं है। ध्यान रखना, जब ज़्यादा लंबे सफ़र पर जाओ ना, ज़्यादा दिनों को अपने घर को यूं ही छोड़कर जाना पड़े तो मेरी एक बात मानना, मुझे नमस्कार करके घर की रक्षा करने के लिए बोल कर जाते हो, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। हो सके ना तो नया ताला बदल कर जाना, जो पहले से लगाया है वो मत लगाना, दूसरा नया लेकर आना। मुझे पता है कि तुम अपने अलावा किसी और के भी खर्च को वहन करने का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि तुमने वो काम किया भी है। पर अब तुम्हें इसी बात की चिंता है ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तुम्हारे पैसे कहीं बर्बाद तो नहीं चले जाएंगे। मैं सुनिश्चित करता हूँ तुम्हें कि वो आएंगे, वो तो दौड़ कर आएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था तुम करके दे रहे हो ना, वो बहुत भाग्यशाली है। वो व्यवस्था मिल रही है, वरना ऐसा किसी को नहीं मिलता। और छल कपट करने वाले लोगों के संगत में जब जब रहते हो, तुम्हारी आत्मा रोती है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारी शक्ति है उनसे मेल बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, तुम्हारी आत्मा उनकी संगत में बिल्कुल नहीं रहना चाहती है। इसलिए उस तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहो। और इस बात की चिंता मत करो कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं, कब रहेंगे तुम्हारे साथ, कौन रहेगा, यहाँ तक कि जो अपने आप में गलत है ना, वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी छवि का उपयोग करके अपने आप को साफ ठहराना पाते हैं। तुम्हारे साथ सब रहेंगे, चिंता मत करो, खुश रहो और बहुत खुश रहो।